पढ़ने वाले हैं मिशन बुनियाद के तहत दी गई छोटा चूजा की कहानी मिशन बुनियाद के तहत। और आज हम इसके ऊपर रोल प्ले करेंगे और रोल प्ले करने वालों का नाम है आयुष और मयंक। तो आइए देखते हैं अपना रोल प्ले। एक डरपोक चूजा था। वह बाहर नहीं निकलता था। इसलिए उसे उड़ना नहीं सीख पाया। उसकी माँ उसे समझाती रहती, दोनों साथ चलेंगे तो डर नहीं लगेगा। लेकिन चूजे ने उड़ना नहीं सीखा। एक दिन उसकी माँ कहीं बाहर गई थी। सुबह से रात हो गई, माँ नहीं लौटी। चूजे को चिंता होने लगी। उसने पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश की। जल्द ही वह थक गया। उसने फिर उड़ने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में वह उड़ने लगा। चूजे ने लंबी उड़ान भरी और माँ के पास पहुंच गया। माँ के पंखों में कांटे थे। उसने अपनी चोंच से कांटे निकाले। अब वह रोज माँ के साथ उड़ने लगा, बिना थके बिना डरे। तो ये तो थी कहानी एक चूज़े की। तो बच्चों ये कैसी लगी आपको कहानी? और इन्होंने बहुत अच्छा बच्चों ने रोल प्ले किया है और आप सबने देखा है। अब हम शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की। इसमें क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ हम शुरू करेंगे कुछ शब्द। इसमें दे रखे हैं कुछ शब्द, चूज़ा, डरपोक, सीख, डर, लौटी, चिंता, फैलाए, कोशिश, देर, उड़ान भरी और कांटे। उड़ान का मतलब इस लाइन में से कौन बताएगा? उड़ान का मतलब बताओ बेटा। उड़ना सर, उड़ना जैसे बहुत सारे पक्षी होते हैं, वो सर उड़ते हैं, जैसे चिड़िया। सर उड़ान मतलब वो हो गया जैसे हमारा एरोप्लेन का, एरोप्लेन लेते जैसे हम उड़ान भरते हैं, जैसे कोई वो एरोप्लेन जो होता है वो उड़ान लेता है, तो हम उसे उड़ान भरते हैं। ठीक है। डर एक बताओ बेटा। डरा हुआ बताओ। सर जो बहुत ज्यादा डर जाते, जैसे कि हम किसी चीज से डरते हैं तो उसे कहते हैं डर। जैसे कि हमारे अंदर उसको डर बैठ जाता है, जैसे कि भय। जैसे कि हम इससे डरते हैं तो हमारे अंदर उसका भय बैठ गया, हम इसके पास भी जाएंगे, उसे कहते हैं डर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया। सीख, सीख बताओ बेटा। सर किसी चीज से कोई काम सीखना, जैसे कभी कभार बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं आती हैं, और अगर किसी को आती है तो वो हमें सिखाता है, तो उसे कहते हैं सीखना। सीख मतलब किसी से ज्ञान लेना। चूजा, चूजा के बारे में बताओ। बेटा हम चूजे को इसमें यहाँ मतलब लेंगे मुर्गी के बच्चे से। ठीक है। डरपोक बताओ। अंधेरे से डर जाते
ठीक है। अब छोटा चूजा कहानी के हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स की बात करें, तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले है, माँ ने चूजे को क्या समझाया, बताओ। ठीक है, वेरी गुड। चूजे ने उड़ना कैसे सीखा, प्रैक्टिस करी, कोशिश की उड़ने की, तो वो उसकी कोशिश सफल गई और वो हो गया। ठीक है बेटा, बैठो। आपकी माँ को कब कब आपकी चिंता होती है, जो बच्चा कम से कम 4-5 पॉइंट बताए वो हाथ खड़ा करे। एक मिनट पहले इससे पूछ लूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई। चूजे को किस बात की चिंता सताने लगी, बताओ। हाँ, और तुम बताओ बेटा। सर, चूजे को इसलिए टेंशन होने लग गई थी क्योंकि उसकी मम्मी सुबह से बाहर थी और वो रात तक घर नहीं आई थी। ठीक, अगला प्रश्न है, माँ के पंखों में कांटे कैसे लगे होंगे, सोच कर लिखिए। मतलब जब उसकी माँ से वो मिला तो उसकी माँ के पंखों पर कांटे लगे हुए थे, तो कैसे लगे होंगे ये सोचना है। पहले चलो बताओ सर, बहुत सारे जैसे चिड़िया होती है वो पेड़ से उड़ती हैं, तो पेड़ के कभी बार कांटे लगे होते हैं, बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ कांटे के ही होते हैं, जैसे सर कैक्टस जब जा रही होगी गलती से उड़ते उड़ते हुए तो इस वजह से भी उसके पंखों में कांटे लगे हैं। सर जैसे कभी हम कहीं जाते हैं और हमें दिक्कत नहीं है तो हमारे लग जाती है, इसलिए उसके सर जैसे कि वो उड़ रही होगी और अपने बच्चे की टेंशन रही होगी कि उसे कैसे उड़ाएगा सीखे, और वो गलती से उड़ने के चक्कर में उसने अपना बैलेंस खो दिया और कहीं कैक्टस का पेड़ और कहीं कांटे तो गिर के उसके पंख में लग गई। मतलब कोई भी संभावना हम मान सकते हैं, इस तरह से लगे हो सकते हैं। तो ये सारे प्रश्नों की और साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड सभी वर्ड्स मीनिंग और शब्दों की बातें करी। इन सब के लिए और जिन बच्चों ने सवालों के जवाब दिए उन सभी के लिए तालियां। तो हमने काफ़ी कुछ सीखा, और इस छोटा चूजा से क्या सीख मिलती है आपको, छोटा चूजा से सर हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे चूजा पहले प्रयास नहीं करता था, उसकी माँ घर पे नहीं आई थी, तो जब उसने प्रयास करा, हमें पहले से प्रयास करना चाहिए, उसको हम सफल हो सकते। सर जैसे हमारी मम्मी सर कोई भी काम जैसे हमें नहीं आता है तो कोई भी हमें कहता है कि तुम करके देखो, लेकिन चूजे ने सर क्या किया, वो कोशिश करता था लेकिन वो हो नहीं पाती थी, और वही सर वो प्रैक्टिस करते 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 करते
सर होता है ना कि हैबिट आ जाती है, हैबिट आ जाती है। और सर आप कोई भी किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज आपकी सफल हो ही जाती है आपका। तो इस ऐसे ही जब वो चिंतित था अपनी माँ के लिए, इसलिए वो उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पहले कर रखी थी और उसने अचानक से उड़ान भरी और अपने माँ के बच गए। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो अभी के लिए हम सभी को क्या कहते हैं, धन्यवाद।